बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही कुरकुरे और ख़स्ता से मज़ेदार आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, बनाने में उतने ही आसान और खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस। जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने डिलीशियस बनते हैं कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकेंगे। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आइए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। सबसे पहले हम समोसों की डो रेडी करेंगे। उसके लिए 2 कप जितना हमने मैदा लेना है। मैदे को पहले आपने छान लेना है अच्छे से, फिर आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो ठीक, अगर नहीं तो आप घर का कोई भी कप या कटोरी के हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच घी हम इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच अजवाइन। पहले आपने हाथों से इसको मसल लेना है फिर यूज़ करना है, आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना है कि आपने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी आपके समोसे खस्ता और करारे नहीं बनेंगे। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब आपने मिट्टी में डालकर इसको चेक करना है, अगर अच्छी सी मुट्ठी बन रही है इसका मतलब है बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने मिक्स किया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक साथ आपने पानी ऐड नहीं करना, बहुत दफ़ा हम बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं जिससे हमारे जो आटे की डो है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब आपने इसकी नॉर्मल से सॉफ्ट सी डो बनानी है। उसके लिए क्या करना है, आपने काउंटर पर इसको रखकर अच्छे से गूंदना है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके समोसे बनेंगे खस्ता और करारे, और इसी वजह से हमारे सब खस्ता करारे नहीं बनते कि हम आटे को ऐसे ही गूंद के रख देते हैं। ये नॉर्मल सॉफ्ट सी डो बन गई, अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे कवर करके। दूसरी तरफ फिलिंग के लिए 1 बड़ा खाने का चम्मच तेल, उसमें आपने 1/2 छोटा चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1/2 छोटा चाय का चम्मच अदरक पेस्ट और चुटकी भर आपने हींग डालनी है। एक तो हींग से हमारा जो खाने का जायका वो बहुत दुबाला होता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पर 1/2 छोटा चाय का चम्मच हम ज़ीरा यूज़ करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर छोटी प्याज बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर ली है, बहुत छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक चॉप किया है। 2 अदद मेरे पास यहाँ पे लाल मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 कप मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने उन सब चीज़ों को बहुत बारीक चॉप कर लेना है। अच्छे से आपने सौते करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर है। पहले इसको मैंने रोस्ट कर लिया है और फिर मैंने मोटा कूट के यूज़ किया है। फ्रेशली बनाइएगा ताकि इसमें से खुशबू अच्छी आए। 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक यूज़ करेंगे हम और 2 बड़े खाने के चम्मच लीमू। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए मटर हैं, 1/2 कप से भी कम है वो आपने ले लेना है। और ये आपके ऊपर है कि आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। 1/2 केजी मेरे पास आलू है उबले हुए, उनको अच्छे से पहले मैंने मैश कर लिया फिर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। अच्छे से पहले आप इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर देंगे और यहाँ आपने मटर और आलू को अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद आप देख सकते हैं ये किस कंडीशन में आ गया है। इतना ही अपना आपने इसको अच्छा सा मैश करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको प्रॉपरली पूरा ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। जब हमारा मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। ये हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। 3 चम्मच खाने के आपने कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद अब आप इस मिक्सचर को साइड पर रख देंगे। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, इस तरह से हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। मैं 4 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ ताकि रोटी बनाने में आसानी हो। ड्राई आटा डस्ट करके आपने इसकी पतली सी गोल सी रोटी बना लेनी है। कुछ इस अंदाज में हमारी गोल सी रोटी बनेगी। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करना है
और मिक्सचर को इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। मिक्सचर को आप फैलाएंगे तो थोड़ा सा इसको मसला करेगा, तो आपने क्या करना है, हाथों को पानी से गीला कर लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से आप फैलाएंगे तो ये इजीली फैल जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर मत मारिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि हल्का सा हाथों को गीला करके आपने मिक्सचर को इस तरह से फैला देना है। हल्का सा आपने ड्राई आटा डस्ट कर लेना है और इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सारे स्टेप्स को आपने बहुत केयरफुली ध्यान से देखना है तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनेंगे। सिंपली सी आपने एक पट्टी उठानी है और इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देना है इस तरह से। थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगी और हल्के हाथों से हमने सारा काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के आपने काम नहीं करना, ठीक है, इस तरह से। और ये इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है, एक के ऊपर एक आप पट्टी को फॉल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है समोसे बनाने का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़बरदस्त से आपका समोसा का एक पार्ट तैयार हो चुका है। अब आपके पास कोई भी वुडन स्कीवर हो उसके ज़रिए से आप इसको इस तरह से इसके अंदर डालकर आप सेट कर लेंगे। दो वुडन स्कीवर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्राई करते वक्त ये टूट ना पाए। अब हम दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेते हैं, इसी तरह से इसको फॉल करेंगे। मैं अगेन आपको इसको दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत केयरफुली इसको देख सकें और आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बन सकें। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बस आपने इनको फॉल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आपने काम बहुत स्लो हाथों से करना है, बहुत ज़ोर लगा के मत कीजिएगा कि आटा जो है वो पट्टी टूट जाए। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसको भी इसी समोसे के साथ आपने फिल कर देना है। अगर आप छोटी वुडन स्कीवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एक ही हिस्से को यूज़ करिएगा, दूसरा मत इसमें अटैच कीजिएगा। और ज़बरदस्त से समोसे हमारे रेडी हैं, सारे समोसों को आप इसी तरह से बना लें और फिर आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने का तरीका ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेल यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल तेल लिया है और तेल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब समोसे बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए तो साइडें आपने इनकी चेंज करनी है, इससे पहले आप साइड चेंज नहीं करेंगे। बहुत इजीली फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। चारों तरफ से आपने अच्छे से फ्राई करना है और एक साइड जब फ्राई हो जाए फिर उसको पलटिएगा, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। ये दो तीन ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है, उसके बाद आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही खस्ता और करारे से आलू के समोसे तैयार हैं आपके। इस रमज़ान इस डिलीशियस और मुनफरद सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिलीशियस बनते हैं। और अगर मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कॉमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।